गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 10 में आज मैं नया टेंस जो है अर्जेंट में जो है शुरू कर रहा हूँ। अर्जेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान देखिए, हिंदी में जब वाक्य की पहचान आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप जो है उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। उसकी पहचान जरूरी है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और हिंदी में उसकी पहचान बहुत जरूरी है। जब आप वो मतलब जो भी सेंटेंस दिया हुआ, अगर वो सेंटेंस जब आपके नॉलेज में हो जाएगा कि ये वाक इस टेंस में है, तब निश्चित है आप लोग उसका, अगर नियम जानकारी है आपको तो उसका ट्रांसलेट सही करेंगे। पहचान इसकी है, हिंदी वाक्य के अंदर वाक्य के अंत में जब रहा है रही है या रहे हैं आदि आते हैं तथा वाक्य में समय घटक में टाइम भी दिया होता है है, तो ऐसे वाक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होते हैं। इसकी ये पहचान है, जैसे में भी आप लोग देख लो, वह दो घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ देखिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आया हुआ है और इसमें टाइम दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? टाइम। अगर ये टाइम ना दिया होता तो निश्चित है वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता। कहाँ होता? ये तुरंत जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाता, क्योंकि इसके पहले मैंने जो पढ़ाया है आपको उसमें ये बताया है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत। और इसमें भी वही है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आता, लेकिन इसमें समय ये जरूर दिया होता है। अगर समय नहीं है तो निश्चित है वो वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं है। बात समझ में आई ना? तो इस तरह से ये है। अब इसका पहला सेंटेंस, का पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ये साधारण वाक्य है।
और ये मैंने बताया ऐसे वक्त जिनमें ना तो प्रश्न पूछने का कार्य हो और ना ही कार्य को मना करने का, मतलब नहीं शब्द और क्या शब्द, ये दोनों ना हो तो वाक्य किसमें होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका अनुवाद का नियम है, नियम आप लिख लीजिए, नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, HV शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं हेल्पिंग वर्ब, और इसके हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैज बीन। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? अब ये देखो हैज और हैव, ये मैंने बताया हैज और हैव ये परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें बीन बी की जो क्रिया है बी वाज बीन, ये बीन लगा करके इसको कंटिन्यूअस में किया है, तो इसकी सहायक क्रिया है हैज बीन और हैव, और ये प्रयोग होती है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, फिर मेन वर्ब यम बी, मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, या उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, या पार्टिसिपल फॉर्म जिसको आप कहते हैं ये भी, और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में अगर समय निश्चित है, निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय आ निश्चित अनिश्चित समय के लिए पार, और अंत में फुल स्टॉप, अंत में क्या प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप। हाँ, निश्चित समय आप लोग यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि निश्चित समय क्या क्या है, डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम। तो निश्चित समय है जैसे ये देखो, निश्चित समय बजे का समय निश्चित है, बजे का समय क्या है? निश्चित है, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 12 बजे, ये सब क्या है? निश्चित समय है। दिन का नाम, अगर है जैसे संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये है तो ये दिन का नाम निश्चित समय है। महीने का नाम, अगर है तो ये निश्चित समय, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। वर्ष का नाम, जैसे 2019, 2020, 2021 या 2018, इस तरह से ये है तो निश्चित समय है, बजे समय। इसके अतिरिक्त जो है सुबह, शाम, रात, दिन, ये इसका समय जो है क्या होता है? निश्चित समय होता है। और इस प्रकार से ये निश्चित समय है और अनिश्चित समय क्या क्या है? अनिश्चित समय घंटे का समय, इसका समय घंटे का समय जो है अनिश्चित है। दिन का नाम नहीं है, दिन का नाम नहीं है,
तो वो अनिश्चित। महीने का नाम नहीं है, का नाम नहीं है तो वो अनिश्चित समय। बात समझ में आए? सप्ताह, सप्ताह हमेशा जो है अनिश्चित समय होता है। और इसी प्रकार से वर्ष का नाम अगर नहीं है, वर्ष का नाम नहीं है तो वो क्या है? अनिश्चित समय। तो इस तरह से निश्चित और अनिश्चित समय। हाँ, ये चीज आप क्लियर कीजिए कि अगर निश्चित समय है तो उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित समय है तो फार का। जैसे जैसे वह दो बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है तो ही है बीन रीडिंग READING रीडिंग हिज बुक। और यहां देखो दो बजे का समय है, निश्चित समय है, इसलिए क्या लिखेंगे? सिंस, और बजे के इंग्लिश साइड टू ओ के ऊपर एपोस्ट्रोफी कॉमा क्लास CLOCK और अंत में फुल स्टॉप, ये लिखेंगे। क्लियर हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया, फिर ऑब्जेक्ट है, और अंत में सिंस और पार। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए पार, ये नियम है। इसके बाद इसका दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, और ये जब हिंदी वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द नहीं या कभी नहीं आइए होते हैं, तो अनुवाद इस क्रम से होता है। और इसका नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इसकी है हैज और है। हेल्पिंग वर्ब हैज और है, और ये प्रयोग होगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज, और प्लूरल नंबर
सब्जेक्ट के साथ है, फिर नॉट या नेवर, फिर बीन। यहाँ देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब है बीन और हैज बीन, लेकिन आपका अलग अलग हो गया। अगर नॉट या नेवर के प्रयोग है तो हैज पहले और बीन बाद में, उस बीच में नॉट या नेवर है। फिर लंबी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में निश्चित समय, शॉर्ट में लिखिए निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए पार का उपयोग और अंत में पुलिस्टा। ये जैसे तुम दो घंटे से बाद मैं नहीं टहल रहे हो, और अंत में तो तुम क्या कहेंगे जी, यू, यू प्लूरल नंबर का है इसलिए यू हैव नॉट, यू हैव नॉट बीन वॉकिंग, वॉकिंग यू हैव नॉट बीन, यू हैव बीन नॉट नहीं, यू हैव नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन और दो घंटे का समय अनिश्चित समय है, फॉर टू आवर्स एच ओ यू आर यस और अंत में पुलिस द्वारा। ये नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब है जो है, फिर नॉट या नेवर, फिर बीन, फिर मेन वर्ब के पार्ट पार में आएगी ऑब्जेक्ट, निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए पार, और अंत में पुलिस द्वारा के प्रयोग होते हैं। इस तरह से ये दो नियम खत्म हो गए, मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। बाकी अब कल पढ़ाऊंगा मैं।